नमस्कार। वर्ल्ड कप को शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया कर रही है ट्राई सीरीज में शिरकत, जहां उसके साथ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी टीमें। और टीम इंडिया के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर है, जहां पे वर्ल्ड कप खेलना है। 3 के तेवर इस सीरीज में भारतीय टीम को देखने को मिलेंगे, 2 के तेवर तो देखने को मिलेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उनका मुकाबला है, प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड कप का। यानी महेंद्र सिंह धोनी अपने कॉम्बिनेशन, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन सब आजमा सकते हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। क्या प्लेइंग 11 वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हैं मनिंदर सिंह, 1987 की वर्ल्ड कप टीम के सदस्य, भारत के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष कपूर, जो कि 1996 की वर्ल्ड कप टीम के सदस्य थे, ऑफ स्पिनर भारत के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ दो बड़े पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने कई वर्ल्ड कप कवर किए, राकेश थपलियाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर हरपाल सिंह बेदी जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं मोहिंदर, अमरनाथ, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के ऑलराउंडर और मैन ऑफ द मैच फाइनल के। साथ ही साथ हमारे साथ हैं सैयद किरमानी, 1983 वर्ल्ड कप के विकेटकीपर, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं क्रिकेट क्रेजी फैंस। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिहाज से, क्योंकि ट्राई सीरीज में अगर दम दिखाएंगे तो पता लगेगा कि इंडिया के अंदर कितना दम है वर्ल्ड कप के लिए। हमारी रिपोर्ट देखिए, अंदाजा लगाइए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वर्ल्ड कप के लिए, और ट्राई सीरीज में कितने तैयार हैं धोनी और उनकी टीम। और 3 बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अपना मैच खेल चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया का मुकाबला पहले होगा ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद इंग्लैंड से भिड़ेंगे। लेकिन हमें देखना होगा हमारा कॉम्बिनेशन कैसा बन सकता है। लेकिन ये टीम जो कि ट्राई सीरीज के लिए चुनी गई है, एक्चुअली वही टीम है जो कि वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट करेगी, 2 एक्स्ट्रा जरूरी टीमें। हम चलते हैं मोहिंदर अमरनाथ के पास, जो कि 1983 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के हीरो थे और उनका बहुत अहम योगदान रहा था। जिमी सर, आपसे जानना चाहेंगे कितनी स्ट्रांग ये टीम दिख रही है आपको ट्राई सीरीज के लिए, कैसे देख रहे हैं ट्राई सीरीज के लिए जो भारत की टीम है। नहीं, बिल्कुल, एक तरह से मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यहाँ पे देखने में मिलेगी, मगर मेरा सोचने का नज़रिया कुछ और है। अगर ऐसा हो पाता, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टफ सीरीज़ के बाद जो टेस्ट मैचेस हुए हैं, अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल सीरीज ना होती, ट्राई सीरीज जी, और इंडिया को यहाँ पे ब्रेक मिलती और यहाँ से वो फ्रेश होके वर्ल्ड कप के लिए जाते, तो ये बहुत बेहतर रहता। मगर ये मेरे ख्याल से अभी चल रही है, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। ये तीनों टीमें हैं, डेफिनेटली हिंदुस्तान की जो टीम है बहुत अहम टीम है और यंग टीम है, और यंग टीम के साथ उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस क्रिकेट का जी। आप 50 ओवर्स की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस भी उनकी काफ़ी बेहतर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ट्राई सीरीज है इसमें जो प्रदर्शन हिंदुस्तान की टीम का बेहतर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल बेहतर रहेगा, जिस तरीके से